किस तरफ फिर जाएं आज यार? इधर तो पानी पानी हो गया, निकलना है आज यार किसी तरफ। नहीं, उस तरफ यार किस दिन फिर बाद में जाएंगे। जूता ये मेरा टूट जाना है, उस तरफ जाने के लिए मैं वही जूती पहनूंगा जो मैंने। आपको जूता पहले भी टूटा था बैडमिंटन खेलते? हाँ वो नहीं, ये छक्का उर्दू में क्या कहेंगे? ऐसे चिड़ी छक्का ही कहेंगे यार। चिड़ी को भी चिड़िया कहे ना, चिड़िया छक्का नहीं यार, ये तो नाम ही अजीब लग रहा है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते, कि रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं और मुबशिर आज फिर निकले हुए हैं और किसी एडवेंचर की तलाश में इस तरफ को आए हैं। सरगर्दा हैं, सरगर्म हैं। और यार क्या मैजिक हुआ है, क्या हुआ है? याद है ना वहाँ पे कमाद था, वहाँ भी यार किधर गया यार? हाँ वो किधर गया कमाद? वहाँ उड़ गया है वहाँ पे। अब एक खातून आ गया, कहाँ गया? हाँ तूफान आया था वो? नहीं यार, तूफान में इस तरह कमाद उड़ने लगे तो फिर तो बड़ा कुछ उड़ जाए। तूफान के लामा ये देख ली, ये भी बैठा हुआ। हाँ यार ये तो बैठा हुआ और नीचे कुछ सुबह बारिश हुई नहीं नहीं, लेकिन घास बैठने में और गन्नों के उड़ने में कितना फर्क है यार, क्या ड्रामा यार। फर्क है लेकिन शायद इधर बारिश कम हो उधर ज्यादा हो। तो बारिश से गन्ने का क्या ताल्लुक है? नहीं बारिश थी जोर से पड़ी हो, वो जो ओले लेके आते हैं बर्फ वाले वो लेके। नहीं, ओ यार वो नजर आ गया, ड्रामेबाज नजर आ गया। वो थोड़ा सा उन्होंने काट लिया था, अब ये देख रहे हैं वो भी बारिश से कम नहीं। ये यहाँ पे है भाई, जो काट रहे ना वो बारिश से कम नहीं है। क्या हो गया, डरा क्यों रहे हो पीछे? यहाँ खुद चढ़ रहे हो मुझे। अच्छा वो हमें पता चल गया कि थोड़ा सा है कमाद और थोड़ा सा जो है ना वो काट लिया गया। किस तरफ फिर जाएं आज यार? इधर तो पानी पानी हो गया, निकलना है आज यार किसी तरफ। जूता मैं फिर वो नया जूता मैंने फिर पहन लिया और निकलना पीछे को निकल लेते। नहीं नहीं, आगे की तरफ कहीं पे यार जाना है आज। यार पानी है किस तरफ? तो बिल्कुल ही पानी है आज। एडवेंचर नहीं होना? नहीं यार आज घोड़ा नहीं, आदमी है। ओह यार ये आदमी और घोड़े में फर्क नहीं दिखता। नहीं वो ऐनक में ऐसे में ना चेंज करवानी है तो मुझे दूसरे का घोड़ा वैसे जंप मारता हुआ। यार मेरी बात सुनो एक, आज अपने घर की पिछली साइड पे चलते हैं। उस तरफ देखते हैं यार एक मिनट, जहाँ पे कूड़ा फेंका हुआ है लोगों ने। नहीं, उस तरफ यार किस दिन फिर बाद में जाएंगे। जूता ये मेरा टूट जाना है, उस तरफ जाने के लिए मैं वही जूती पहनूंगा जो मैंने। आपको जूता पहले भी टूटा था बैडमिंटन खेलते? हाँ वो नहीं, ये अब नहीं लेके जाना यार। ये बंदा कहीं पे स्कूल वगैरह कोई सीवी वगैरह लेके जाना पड़े तो बंदा ये पहन जाता है। चिड़ी छक्का भाई, चिड़ी छक्का खेलते हुए वो हम चिड़ी छक्का उर्दू में क्या कहेंगे? ऐसे चिड़ी छक्का ही कहेंगे यार, चिड़ी को भी चिड़िया कहे ना, चिड़िया छक्का नहीं यार, ये तो नाम ही अजीब लग रहा है। क्या कहेंगे उर्दू में? बैडमिंटन इंग्लिश, चिड़ी छक्का ही चलेंगे यार। उर्दू हमारी जो लैंग्वेज है कौमी है, उसी उसकी सबसे बड़ी खासियत पता क्या है? आज मैं सही बात करता हूँ, आज ना थोड़ी सी इधर ही बैठ के गपशप लगा लेते हैं। उसने बाकी अल्फाज को अपने अंदर जखीरा कर लिया। हाँ लेकिन लाजमी मुझे याद कराना है किसी दिन ना उस तरफ जाना है जब नहीं रूढ़ी नहीं, वहाँ पे रूढ़ी नहीं यार, छप्पड़ है और पता नहीं इस तरह के दो तीन गंदी गंदी चीज़ें बैक में। हाँ रूढ़ी भी है, चलें देखेंगे अपने घर के पीछे आज। हाँ मैं उर्दू की बात कर रहा था, उर्दू का आपको आज मैं ना थोड़ी सी आपको ना बड़ी काम की बात करता हूँ। इधर बैठती हैं क्योंकि आज जूता मैं यार आते ही बदला था मैंने, मैंने कहा चलें ये ज़रा अच्छा लगता है जगह तो यार ऐसे ही का देख रहे हो पहले सांप है। नहीं बैठो, आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ यार। यार इधर काफी जो है ना वाला वीडियो है काफी सुनना है साइडर। हाँ माइक वाला वो नहीं हुआ कोई वायरल वो यार वायरल भी इंशाल्लाह हो जाएगी, तुम दुआ करो इंशाल्लाह। वो मेरे वो यार मैंने की उस वीडियो के लिए मेरी सुबह शाम की मेहनत मैं इंशाल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी। लोग दिन रात मेरे मैं सुबह शाम करता हूं और आपकी मेहनत किस तरह का रंग लाएगी जिस तरह का अभी हमारे फेस पर रंग आ रहा है। अच्छा उस दिन मेरा ख्याल था इसमें कुछ फॉल्ट है मोबाइल में, लेकिन इस वक्त हमारे होता है सूरज सामने यहाँ पे बैठ के, ये देखो अभी ज्यादा पीला आ रहा है यार मुझे बिल्कुल ही पिल्ला। अब उस तरफ जाना है, पहली बार मुझे याद करवाना है ठीक है। जूता कभी चेंज करके उस तरफ निकलेंगे, मेरा दिल चार पे छत पे चढ़ के ठीक हो।
जहाँ से भैंस आ रही थी, मैंने चढ़ के ना छलांगे लगा देंगे पीछे। नहीं नहीं यार, छत पे चढ़ के देख रहा था मैं ऑनलाइन। उर्दू की मैं बात कर रहा था, उर्दू चिड़ी छक्के की बात कर रहे थे ना तुम, कि उर्दू की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उर्दू जो है ना, उर्दू लैंग्वेज, उर्दू जुबान अपने अंदर किसी भी जुबान के वर्ड को समो लेती है। आ जाता है वो, फील नहीं होता। आप मेरी बात नहीं, समो लेती है ठीक होता है लफ्ज़ ये भी उर्दू का। नहीं नहीं सही बात है, समोना अपने अंदर या इसके अंदर कोई भी लफ्ज़ समा जाता है। हाँ ये है बिछड़े खतरात। कोई बात नहीं यार, खतरात ओ भाई। हाँ मैं कहने लगा था मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, लेकिन ये पीछे से क्या हो रहा था, खिलाड़ी नहीं है ये देखे पड़ी हुई मैंगो की आम के गिटके। आजकल आम का कौन सा मौसम है, ये कितनी पुरानी फेंकी हुई आम की क्या पड़ी हुई है गिटक। अच्छा तो मैंने मेरे चिड़ी छक्के पे भी इतराज है जिसकी उर्दू है ही नहीं, और गुटली नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा गुटली नहीं जुबान से मुंह से अदा हो रहा। मैंने बी नहीं कह दिया बी। हाँ वो जो मुतहर छोटा है वो तो वैसे बी कहता है। अच्छा मैं कह रहा था कि यार जो बात होती है तुम किसी और तरफ ले जाते हो, पहले मुझे डरा दिया मैं खतरों का खिलाड़ी बनने लगा था। मैं कह रहा हूँ कि उर्दू, अब ये देखो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड आप ऐड कर दें तो आपको अजीब लगेगा, ठीक है सही। देखे ना आप उर्दू तो खुद तुर्की जुबान का लफ्ज है ना बस, लेकिन वो छोड़ दो वो लश्कर तो बड़ी पीछे से काम स्टार्ट कर रहे हैं लश्कर। मैं यहाँ पे उर्दू की जो है ना वो कहते हैं फौजी, फौजी लेके निकलो यार। हाँ बिल्कुल वो वाला बात मुमताह ने बिल्कुल सही की, सॉरी मुबशिर ने यार मैं नाम भूल जाती के उर्दू भी तुर्की जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है लश्कर। और उर्दू की वैसे क्या ही बात है, आज मैं आपको उर्दू पे एक शेर जो सुना देता हूँ। पहली वाह जी वाह, नहीं मुझे पता है आप क्या बोलो यार, इतना एक अदब वाला बंदा बैठा हुआ है यार, वैसे कितना पीला आ रहा है मुँह यहाँ हो रही है। नहीं मैं सुनाता हूँ शुरू ही नहीं किया, वैसे शेर सीरियस है, वैसे हम थोड़ा सा जो है एंजॉयमेंट करने निकले हैं इसलिए हर बात पे जो है ना वो उर्दू है जिसका नाम वो किससे सुन लिया तुमने? नहीं मैंने कह रहा मुझे पता है क्या बोलेगा। अच्छा चलो पूरा सुना दो फिर। नहीं पूरा नहीं कल परसों तुमने मुझसे तो लिखवाया था, अभी तक याद नहीं किया अभी बच्चे। नहीं नहीं मुझे याद आता है पूरा, लेकिन दो तीन याद आता है कभी रात को दो तीन बजे। अभी क्या आता है रात को? नहीं नहीं फिर आता है फिर वॉशरूम जाना पड़ता है। वो शेर आता है या कुछ और आता है? बस दोनों आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। जब शेर आता है ना तो वो भी आ जाए, वो लाइन की बात है ना, वो बड़ा शेर आता है। अच्छा अच्छा तुझे ये नहीं आता? नहीं ये क्या ये मैं इसको सुनाता हूँ, कल परसों इसने अपने रजिस्टर पर लिखवाया था, बड़े प्यारा शेर है, दाग दहलवी का है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। वाह बड़ा कमाल का शेर है यार, उर्दू की कैसी दाग तारीफ की है। दाग हाँ नहीं शागिर हम क्या दाग दहलवी, दाग दहलवी नाम तो मैंने ये सुना है। कल परसों मैं पूछ भी रहा था बुसिन का क्या सही नाम था, लेकिन फिर भी कोई इतना इंटरनेट पे भी मिर्ज़ा मोहम्मद खान दाग ये आया था, मेरा ख्याल नाम शायद कोई और भी हो। सही उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। वाह क्या यार बात है, वैसे इस शेर ने तो इस बंदे की सोई देखो कितना उसने सुनहरी अल्फाज में लिखा, सुनहरी अल्फाज में किस तरह तारीफ की है, ये कैसी जुबान है उसने। मैंने जब पढ़ा था ज़हन को अल्फाज में बदला, ये अपने सोच को और बड़े प्यारे अंदाज में दाग दहलवी ने बदला। और इन्हीं का एक और शेर जो है ना वो मैंने अभी रिसेंटली सुन रहा था, अली मोहम्मद खान साहब जो पॉलिटिशियन है उन्होंने पढ़ा था पार्लियामेंट में खड़े होकर। सही उनसे वो स्पीकर कह रहा है कि आप बात करें इंग्लिश में। वो सुने मैंने लेकिन मुझे शेर बिल्कुल भी नहीं आता बिल्कुल याद भूल पहला भी बिल्कुल नहीं आता था पहला भी नहीं उर्दू जुबान आते आते कोई। हाँ यार ये वो शुरू से आता था ये एंड से आता है वो शुरू से शुरू पहला मिसरा वो भी थोड़ा सा आवाज आवाज तो बैंड पे भी पहुंच रहा है। अच्छा ये आवाज और एंड इसने किया दरमियान मुझे घुसेड़ है ताकि सारा सेहरा मेरे सर हो जाए यार, उर्दू का तमाम सेहरा मेरे सर और टोपी आपके सर। चले टोपी मेरे सर। अच्छा तो सेहरा तुम्हारे सर किस बात का? क्या टोपी आपके अब आपके सर पे सेहरा जाहिर है सेहरा आ नहीं सकता। चले ठीक है वैसे जो है ना वाकई इसने दूसरे का एंड बताया और पहले का आगाज थोड़ा सा। तो वो अली मोहम्मद खान साहब से स्पीकर ने कहा कि भई आप इंग्लिश में बात करें, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब मैं तो बड़ा यार प्यारी देखी थी वीडियो उन्होंने कितना प्यार जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं तो टाट के स्कूलों में पढ़ा हुआ मैं तो उर्दू में बात करूँगा आप इंग्लिश में बात करें। फिर उन्होंने टाट वाले स्कूलों में टाट कहते हैं चटाइयाँ बोरियाँ बिछाते हैं, तो उन्होंने बड़ा अपना सादगी का अंदाज जो है ना अपना शो किया सादगी के अंदाज। मैंने सुना था लेकिन मुझे समझ नहीं आई टाट क्या मतलब। नहीं टाट के स्कूल बेसिकली जहाँ भी बेंच वगैरह ना हो,
तो उन्होंने कहा मैं तो उर्दू में बात करूंगा। फिर उन्होंने कमाल का एक शेर जो है ना बोला, और वो भी शेर मिर्जा दाग दहलवी का है। अब ये भी उनका, ये भी उनका है, ये इसमें भी उनका लगता है। सारे उर्दू के बारे में लिखे हैं? नहीं नहीं, लिखे काफ़ी हैं, लेकिन उर्दू की शान जो दाग दहलवी ने बयान किया ना, वो मैंने अभी तक जो है ना वो किससे नहीं सुना। सही। और वो था कि नहीं खेल ए दाग, नहीं खेल ए दाग, यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। इसमें थोड़ा सा उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई खेल नहीं कि उर्दू में हर बंदा ही पोइट घुसा हुआ है। समझाए मुझे इसकी समझ नहीं आई जरा। अच्छा, पहले क्या आई थी कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। ये तो यानी कि पूरी दुनिया में हमारी जुबान, हमारी जुबान की धूम है सारे जहां में। सही। मतलब कि ये देखे ना पाकिस्तान के अक्रॉस पूरी दुनिया में, जी इंडिया में अगर कोई मेरा व्लॉग देखेगा वहां भी उर्दू समझी जाती है और लोग उर्दू बोलते हैं। इसके अलावा तकरीबन जो है ना पूरी दुनिया में लोग उर्दू भी कुछ मिलती जुलती है। हाँ, तो इसकी समझ आ गई है। दूसरे में वो इसकी अहमियत मजीद बयान कर रहे हैं कि ये उर्दू ये भी नहीं कि कोई बस ऐसी ही जुबान है। सही है। इसकी कोई वैल्यू है और हर बंदा इसको सीख नहीं सकता कि हर बंदा जो है ना वो कहे कि मैं उर्दू दान हूँ। नहीं खेल, वो कह रहे नहीं खेल ए दाग, यारों से कह दो कि जो यार ऐसे बने फिर रहे हैं ना कि हम भी कर सकते हैं उर्दू में पोएट्री, सब कुछ कर सकते हैं, शायरी वगैरह। खेल नहीं है, नहीं खेल है दाग, यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। आते आते से मुराद के आहिस्ता आहिस्ता, ये आते आते आएगी, ये नहीं कि एकदम से बैठे और उर्दू सीख ली। यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी सीखने के लिए, कोशिश करनी पड़ेगी, लगाओ मुसलसल। बिल्कुल, ये उर्दू की बड़ी प्यारी जो पोएट्री है, कहाँ से यार चिड़ी छक्के से बात निकल गई, और ये उर्दू का वर्ड अब चिड़ी छक्का हम उर्दू प्रवास कर गई है। वो चिड़ी तो चिड़ी की प्रवास छू रही है, काफ़ी बुलंदियों को उसने छुआ है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कुछ समझाऊँ उर्दू के, मैंने दो शेर सुना दिए, अभी तीसरा शेर भी मेरे जहन में आ रहा है लेकिन वो उर्दू के बारे में नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि मैं मुबशिर सवाल पूछने लगा हूँ, शायद मुबशिर को पता हो। नहीं पता। उर्दू का, अच्छा उर्दू का पहले क्या नाम होता था? काफ़ी थे, हिंदी और इस तरह के कोई नाम, हिंदवी शायद, या इस तरह के कोई नाम थे, लेकिन एक बड़ा प्यारा सा नाम था। और आज भी उस नाम से फेसबुक पे आप चले जाएं, ग्रुप्स बने हुए हैं, और समझ लें कि वो नाम वाकई में बड़ा प्यारा है। पहले था उर्दू का नाम, और मिर्ज़ा गालिब ने अपने शेर में वो इस्तेमाल किया है कि डैश मैं बोलूँगा, ये मुबशिर बताएगा। यार तुम खारशें कर रहे हो। नहीं, नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि डैश के आसान सवाल कर दिए, मुश्किल सवाल कर दिए। नहीं नहीं, मैं आपने ये सोचना, और मैं इनको बता दूँ कि मैं शेर बोलूँगा, और शेर के बाद अगर आपके जहन में वो नाम आ जाए तो ईमानदारी से कमेंट करना है, और ईमानदारी से क्या करना है कि वीडियो को आगे से देखे बगैर अभी कमेंट करना, इधर ही रुक के अगर समझ आ जाए। ज़ाहिर एंड में तो मैंने शेर बोल ही देना है और बता भी देना है, ठीक है? डैश के, डैश ज़ाहिर डैश बोलते ना पढ़ाते हुए कि यार ये डैश है, छोड़ दें जाएगा, खाली लाइन हो गया कि डैश के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। गालिब कहते हैं कि डैश डैश स्पेस है, यहाँ पे आपने बताना है क्या लफ्ज़ आता है, और अभी बताना है, बाद में नहीं कमेंट करना, ये मुझे पता चलेगा, ये आपकी ईमानदारी भी होगा कि आपने कब कमेंट किया। मैं भी करूँ कि हाँ आप अभी बताओ, यहाँ सुन के फिर ये अभी मैं बता दूंगा। नहीं नहीं, अब कमेंट कैसे करूँ? ये बड़ा तेज़ बंदा है, मैं बता रहा हूँ, ये अभी इसको आएगा नहीं, फिर अभी मैं बता दूंगा तो इधर ही रुक के कमेंट कर देगा ईमानदारी से कि मैंने नेक्स्ट वीडियो नहीं देखी थी। यही यही प्लान है ना? नहीं नहीं है यार, यही प्लान है, मान भी नहीं रहा, कुछ इसी करा गया, कुछ के डैश के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। इसकी मैं तफसीली बताऊँगा, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। उर्दू का क्या नाम था बता दो, अगर मैं तुम्हें बताऊँगा शायद आपको याद आ जाए। यार आप बता दीजिए फिर मैं बता दूंगा। तो ये तो क्या, ये तो क्या, ये तो नहीं, ये तो ये तो बताओ ना या क्या मतलब क्या। अच्छा, क्या आप ज़ील कर रहे हो? चले मैं बता देता हूँ आपने, लेकिन ये ईमानदार से बताना है कि पहले आपने नाम ये सुना था कि नहीं, शायद न्यू हो। ठीक हो गया, ईमानदार से बताना है, अगर तो आपने कहा सुना था तो फिर तो जो है ना वो आप की जो है ना वो इंसल्ट बनती है, समझ गया। अगर सुना ही नहीं था तो फिर ठीक है। ठीक, इसका नाम था रेख्ता, रेख्ता रे ये खे ते हे, सुना था कि नहीं? रेख्ते के नाम से ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे अभी भी। रेख्ता? हाँ। नहीं उर्दू का? नहीं नहीं, मेरी बात गौर फिक्र से सुननी है। गौर फिक्र से सुनूंगा। नहीं नहीं, मतलब कि रेख्ता लफ्ज मेरे ख्याल में सुना, लेकिन मुझे ये नहीं पता उर्दू के बारे में। अच्छा, चले आज तुम्हारे इलम में ये इजाफा हुआ। वाह जी, सुना था पहले? वैसे पहले नहीं, शेर में तो नहीं सुना, लेकिन वैसे सुना सुना लग रहा है, सुना सुना, लेकिन ये नहीं पता उर्दू के कह रहे थे। रेख्ता बंदे का नाम है? नहीं, बंदे जगह का नाम है? नहीं नहीं, मुबशिर का क्या लफ्ज है? कोई लफ्ज है? अच्छा,
ठीक है किसी भी चीज का नाम कहते हैं कि रेता नाजुक सख्त दिल ठीक है ऐसा कोई वो ये मैं काबिले तारीफ इसकी बात ये करूंगा यहाँ पे ये काबिले तारीफ है इसकी बात कि क्या कहा लफ्ज नाजुक दिल ये तमाम जो अल्फाज है उर्दू से मुतल्लिक है इसका मतलब कुछ कुछ आइडिया था कि उर्दू के मुतल्लिक ये लफ्ज भी होगा जी जी के अच्छा तो रेख्ता है ये मिर्ज़ा गालिब ने सिर्फ उर्दू में खाली यूज़ किया ना अपने शेर नहीं नहीं उर्दू तो किया ही नहीं है तब मिर्ज़ा गालिब ने नहीं नहीं उर्दू का वर्ड नहीं 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 उर्दू लैंग्वेज तो ये उर्दू लैंग्वेज का नाम रेख्ता था नहीं लैंग्वेज यही थी कुछ चेंजिंग हुई है नहीं मैं ये कह रहा हूँ उर्दू लैंग्वेज और रेख्ता लैंग्वेज मैं ये सोच सेम है ना बिल्कुल रेख्ता लैंग्वेज उन्होंने अपनी शायरी की है जी कुछ नहीं नहीं शायरी उन्होंने उर्दू में की है तब उर्दू का नाम रेख्ता होता था लैंग्वेज कौन सी यूज़ की है उर्दू उर्दू की है ना वही मैं कह रहा हूँ अपने उर्दू शायरी में ज्यादा उर्दू के अल्फाज यूज करते हैं रेख्ता हाँ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ रेख्ता उर्दू ही का दूसरा नाम था ठीक है पहले इसी जुबान जो एक जुबान थी जो हम आज भी बोलते हैं जिसमें हम व्लॉग बना रहे हैं इसी जुबान का नाम पहले था रेख्ता सही है अब हो गया उर्दू उन्होंने अपनी शायरी में रेख्ता में की है उर्दू में की है की बात नहीं चलिए मैं मिसाल के तौर पर उर्दू ले लेता हूँ उन्होंने अपनी शायरी ज्यादा उर्दू लैंग्वेज में की हाँ और में की है किसी ने फारसी शायद की हो मैंने नहीं ना की मेरे ख्याल ज्यादा उर्दू में की है ना तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे इस तरह भी लगा कि वो ज्यादा उर्दू यूज करते हैं तो यहाँ भी उर्दू का ही नाम होगा हाँ हाँ ठीक है इसलिए कुछ वैसे कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं उर्दू लैंग्वेज में तो अब मैं शेर वो आपको दोबारा से सुनाऊंगा वैसे यार हम चाहते हैं शाम हो रही है चलिए जल्दी बातें करते हैं चलो मैं शेर सुना लूं फिर हर बार मैं ही आपको याद करता हूं चलते हैं जय कंप्लीट हो जाता है ये बैठ के यार सुकून से शेर वो सुना लूं अब रेख्ता नहीं आएगा अब आएगा कि रेखते के रेख्ता को रेखते का है जी गालिब का ये वही है यार कहां कहां घूमे हुए हो रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब कहते हैं अगले नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ रेख्ता वर्ड यूज़ किया लेकिन शेर में उन्होंने जैसे बंदा कहता है ना कि यार अच्छा अच्छा बंदा कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी कोई मीर भी था मीर तक मीर बड़े पोइट हमारे उनकी शायरी भी कमाल है नहीं मीर तक मीर मीर बब्बर अली मीर बब्बर अली नहीं अलग है मीर तक मीर अलग इन तमाम की छोरा ग्राम की मैंने कुछ दिनों से यहाँ कौन सा मीर है ये मीर तक मीर है जो मीर बब्बर अली नीस है उनका जो तखल्लुस है वो अनीस है सही है ठीक है ना इस तरह जैसे ख्वाजा मीर दर्द है शायरी में किसी शायर का नाम भी तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है किसी का भी हो जाता है तखल्लुस भी हो जाता है जैसे इकबाल इलामा इकबाल है हमारे जो कौमी पोइट हैं उनका तखल्लुस अब इकबाल ये शेर भी कुछ सुने तो ये भी कैसे मीर तक मीर का शेर है उसमें भी उसका तखल्लुस यूज हो रहा है नहीं 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 तखल्लुस के ऊपर वो निशान सा नहीं डलता आपने वो शायद पहले देखा हो वो तखल्लुस के ऊपर बकायदा निशान डाला होता है तो पता होता है वो निशान वो नहीं जो जज्म डालते हैं शायद हाँ उसी तरह का कुछ होता है लेकिन वो खास तखल्लुस के साथ होता है अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करूँगा लेकिन मैं ये बात आपको बता दूँ कि पोइट्री ब्लॉग मैंने कुछ दिन से स्टार्ट किए हुए हैं ख्वाजा मीर दर्द मीर तक मीर और ख्वाजा हैदर अली आतिश फैज़ अहमद फैज़ बड़ा हाँ उसी ने वो मैंने अपलोड कर दिया तकरीबन इंशाल्लाह आपको काफ़ी जो है ना वो मज़ा आने वाला है यहाँ पे इंशाल्लाह हर पोइट जो है ना वो पोइट्री को मैं पढ़ूंगा सुनाऊंगा आपसे नहीं किया नहीं अभी करेंगे इंशाल्लाह अच्छा, अच्छा तो बड़ा इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ना शुरू हो चुका है फैज़ अहमद फैज़ से आराम से यार धक्के क्यों दे रहे हो और फैज़ से क्यों स्टार्ट किया क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ जो हमारे नरवाल से थे और फेवरेट पोइट्स में उनका भी नाम आता है बड़े अच्छे शायर हैं हमारे तो अभी अब बस शाम की जाने होने वाली हैं कुछ जो है ना वो खेलना भी है भाई कह रहे थे कि ज़रा जल्दी वीडियो बना के आ जाना और कुछ क्या काफ़ी लेंथी हो गई है 18 मिनट से ऊपर जा रहा है तो यार मैं 10 मिनट की बनवाने आया था अच्छा चलिए देख ले मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी है वाह जी तो मुबशर की इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा हुआ है तो इसी के साथ अब ज़्यादा सड़क आ जाएगी फिर इधर ही एंड करना पड़ेगा इसी के साथ ज़्यादा सड़क आ जाएगी नहीं नहीं ज़्यादा आगे चलते जाएंगे अच्छा तो इसी के साथ यहाँ पे मैं और मुबशर इजाज़त चाहेंगे आपसे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट किसी और व्लॉग में किसी और सोच के साथ किसी और बातों के साथ उधर भी ज़्यादा लाजमी जाना है ठीक है जूते वगैरह दूसरे पहन के टूटना चाहिए ये वाले अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ अगली वीडियो तक के लिए हम दोनों की इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़